हेलो एवरीवन, अरसाना ने राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं या किसी फोटो को देखते हैं तो आपका मन करता है ना कि एक बार मुझे तो यहाँ पे जाना चाहिए। तो सबके को ड्रीम प्लेसेस होती है जहाँ पे वो हमेशा जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं होता कि जब भी आप किसी जगह पे घूमने जाए वो आपकी ड्रीम प्लेस हो। तो आई थॉट कि इट्स हाई टाइम नाउ कि अपनी कुछ ड्रीम प्लेसेस पे घूम लिया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं नीदरलैंड। कुछ चीजें वहां पे ऐसी हैं जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी, वहां पे जाना चाहती थी। तो स्टे कनेक्टेड विद मी और देखिए हमारी जर्नी। वियना से एम्स्टरडेम का जो रास्ता है 11-12 घंटे का है बाय रोड, बट उसको पहुंचने में हमें लगे हैं 15-16 घंटे, क्योंकि गाड़ी को बीच में चार्ज भी करना पड़ता है, खाना वगैरह भी खाना पड़ता है। तो फाइनली हम यहाँ पे होटल में आ गए हैं और हमने जो होटल लिया है वो एयरपोर्ट के पास लिया है बिल्कुल ही, क्योंकि हमारे अपने कुछ रीज़न थे कि जहाँ भी हमें घूमने जाना था वो आउटर में ही है जगह। तो इसलिए हमें ये कंफर्टेबल लगा कि हम एम्स्टरडेम सिटी में ना जाके बिल्कुल आउटर में एयरपोर्ट के पास हमने लिया है। तो नेक्स्ट डे हम पहले ही ब्रेकफास्ट करने के बाद, होटल में तो इतना अच्छा वेज का ऑप्शन नहीं था, तो हमने अपने साथ कैरी किया था ब्रेड वगैरह, जैम एंड फ्रूट्स वगैरह। तो हमने उसी में ही ब्रेकफास्ट किया, इवन उसको पैक भी कर लिया आफ्टरनून के लिए। पता नहीं आगे कैसा क्या मिलता है। जब भी आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें खाने पीने की तो महंगी मिलती ही हैं, और शनाया का तो बाहर का अलाउ नहीं था तो मैंने वो चीज़ें पहले ही पैक कर ली। और इस हम जा रहे थे अभी गिथ्रोन, जो जिसे नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है, कि बहुत ही सुंदर गांव है। काफ़ी सुना था उसके बारे में, इवन देखा था, तो हमेशा से मन था कि वहां पे एक बार ज़रूर जाएं। ये जो पूरा रास्ता जो था ये इतना सुंदर था, मतलब उस गांव तक जाने में, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कितना दूर है, कितना लंबा है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आते समय इन कुछ खेतों में हम रुके भी थे, हमने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी ली, वीडियो भी बनाई। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहां पे हमें आना था। और यहां पे ये एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पे सारे प्राइजेस मेंशन किए हुए थे कि किस बोट का कितना प्राइस होगा, साइकिल से जा रहे हैं तो कितना प्राइस होगा, कितने घंटे का, बच्चे की एज, बड़ों की एज क्या होनी चाहिए। तो वो सारा डिटेल में इसके ऊपर मेंशन था। इवन इसके साथ साथ इसके बैक साइड में मैप भी मेंशन था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हर बोट के साथ जब भी आप ले रहे थे आपको मैप दे रहे थे, तो आपका ये आपको सेल्फ ड्राइव करनी थी, ये बोट वगैरह आपके साथ कोई नहीं जाएगा, आपको खुद ड्राइव करनी थी ये वाली। तो हमने जो है 50 यूरो वाली बोट फाइनल की 2 घंटे के लिए, क्योंकि हम 3 ही जन थे और उसमें 3 से ज़्यादा भी 4 लोग भी बैठ सकते थे। तो इनका जो स्टैंड था वो कुछ बोटें यहाँ थी और कुछ बोट दूसरी साइड भी खड़ी थी। अब बोट तो पहले ड्राइव ऐसे नहीं की थी, तो ये मतलब कोई ड्राइव करनी थी, तो बहुत जगह हम टकराए भी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। व्हाट क्यों मंदीप, काफ़ी बार टक्कर खाने के बाद फाइनली मंदीप को चलानी आ गई। और उसके बाद भी टक्करें तो लगती रहती थी यहाँ पे आपस में, बट या अब चलानी आ गई थी। इसके अलावा यहाँ पे जिसको नहीं चलानी आती वो ये बड़ी बोट्स भी हैं, जैसे क्रूज़ बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे चलती है, तो उनका तो एक फिक्स टाइम रहता है, तो वो भी चला सकते हैं। अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर मैंने कैमरा शनाया को दे दिया था, क्योंकि मुझे और मंदीप की दोनों की वीडियो बनवानी होती है, तो शनाया बहुत हेल्प करती है यहाँ पे, और वो बार बार पूछी थी कि हो गया, मैंने कहा रुक जा थोड़ी देर और रिकॉर्डिंग कर ले। बस अब बोट चलानी आ गई थी, सेटल हो गए थे प्रॉपर, तो अब आ गया था गाँव। मतलब वहाँ तक तो था कि कुछ जगह तक तो बोट्स वगैरह ही काफ़ी खड़ी थी, उसके बाद सिर्फ चलाने वाले ही थे। और यहाँ पे ये था वो गिथ्रोन गाँव जिसकी मैं बात कर रही थी। हर घर की अपनी स्पेशल बोट थी जिसको वो यूज़ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बोट लेनी ही कंपलसरी है। अगर आपको बोट टूर नहीं करना है तो पैदल भी आप कर सकते हैं। और इस गांव में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है, तो आप किसी भी टाइम आके यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप साइकिलिंग इनसे लेते हैं तो वहाँ रेंट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ पे ये बत्तखें तो इतनी सारी थी ना एम्स्टरडेम में, मतलब पूरा जहाँ पे भी पानी दिखता है इतनी बत्तखें हैं। इस विलेज के बारे में बोला जाता है कि ये कार फ्री विलेज है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैनाल सी आपको दिखाई दे रही है। यस, ये कार फ्री विलेज है, और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको वॉक करके जाना पड़ता है या फिर बोट लेके ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में रोड के बिल्कुल साइड में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी है जहाँ पे गाड़ी पार्क होती हैं, टूरिस्ट हैं अपनी गाड़ी पार्क
करते हैं, बट राइट साइड में जाने के लिए बोट का और ब्रिजेस का यूज करना पड़ता है। इस गांव को फेरीटेल विलेज भी बोला जाता है और नीदरलैंड का वेनिस भी बोला जाता है। तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है और वाकई में ये बहुत ही सुंदर है देखने में। और लोग यहाँ पे लाइक अलग अलग टाइम, बोट का टाइम 2 घंटे का तो मैंने आपको बताया कि है, उसके अलावा भी अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा आप बोट को यूज़ कर रहे हो तो उसका चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ता है। और 4 से 5 घंटे लोग आराम से यहाँ पर बिताते हैं। तो एक दिन मान के चलो कि आपका इस गांव में लग जाता है कि आप एम्स्टर्डम आ रहे हैं, तो यू मस्ट विजिट दिस विलेज। और यहाँ पे जो आप इतने सारे ब्रिजेस देख रहे हो जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड्स को, तो यहाँ पे ये 180 ब्रिजेस हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं और यहाँ के लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है। और अच्छे देखनी है कि पीसफुल लाइफ क्या होती है, तो या यहाँ पे आपको वो पीसफुल लाइफ मिलेगी, कोई शोर नहीं है। और यहाँ पर साइड में आप जितने भी देखते हो यहाँ पे म्यूज़ियम्स आपको मिलेंगे, कैफ़े हाउस वगैरह, आप बोट को साइड में स्टॉप करके भी अपना कॉफ़ी पी के देन यू अगेन स्टार्ट योर बोट, तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। एम्स्टर्डम से इस गिथ्रोन गांव का जो रास्ता है वो 1.5 घंटे का है अगर आप अपनी कार से आते हैं तो। अगर इसके अलावा टैक्सी, बस, ट्रेन से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेन से आते हैं तो उसके बाद भी आपको बस पकड़नी पड़ती है, तो उसमें लगभग वो 3 घंटे लग जाते हैं। एक हैरानी की बात जो मुझे लगी, मैंने वहाँ पे पूछा भी, तो अगर आप बोट से गिर भी जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्शन तो कोई है नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे डूबेंगे नहीं क्योंकि ये पानी सिर्फ 1 मीटर गहरा है। लाइक आप यहाँ पे इसमें खड़े हो सकते हैं, इवन जो आगे मैं आपको झील दिखाने वाली हूँ, बहुत बड़ी झील, उसका पानी भी ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ पर भी आराम से खड़े हो सकते हैं। इन घरों की जो छतें होती हैं वो थैच रूफ होती है, लाइक भूसे की होती हैं और ये पानी को कंट्रोल करती हैं। तो सभी घरों में आप देख रहे होगे कि सेम इसी तरीके की छतें हैं और एक बहुत मोटी लेयर बनाई जाती है इनकी। ये जो सारी कैनाल्स हैं वो एक बहुत बड़ी झील में जाके मिलती हैं, जहाँ पे आप आराम से अपना 2-3 घंटे का टाइम पास कर सकते हो। वहाँ पे बीच में आप खड़े हो सकते हो, बर्ड्स को देख सकते हैं और बीच में प्ले एरिया वगैरह भी। यहाँ पे शनाया के हाथ में खाना देख कर स्वैन हमारे साथ साथ ही होली, और इसको जब तक दे नहीं दिया ना तब तक ये गई नहीं, और मेरे को तो इसकी इतनी बड़ी सी चोंच सी थी कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा था इसको खाना खिलाऊं कैसे हाथ में। ओए मेरा हाथ क्यों खा रही है? बस और मत फेंकना, और मत फेंको, बस बेटा पेट खराब हो जाता ज्यादा खाते। मुझे मत करना, मत कर, देखो चिपक गई है बेचारी, उसको मंडरा रोने लग जाएगी। और एक साइड में ये झील के सामने कुछ ऐसे ये घर से बना रखे थे जो सारे सेम थे, और इन हर घर की एक सेपरेट बोट थी, तो आई थिंक ये रेंट वगैरह के लिए होंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम थे दिखने में सारे के सारे और लंबे लंबे दूर तक थे। और यहाँ पे शनाया अपना अलग एंजॉय कर रही है। But it's not our home. We have to go to the hotel. वैसे तो लीगली खेतों में जाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एक जगह मिली जहाँ पे कार को पार्क करके और हम खेत में जा सकते थे, और फार्मर भी यहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्होंने अलाउ किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी वीडियोस भी बनाई, अपनी फ़ोटोग्राफी भी की, और ये यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि अलग अलग कलर थे, स्पेशली जो रेड कलर के फ्लावर थे, ऑसम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आगे हमने एम्स्टर्डम में क्या किया, कहाँ गए, उसको देखने के, उस जर्नी को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।